हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। तो देखिए, यहाँ पर नहा कर आ गई हो और नहा के कंघी वंगी कर ली है और बाल तो खुले रखे नहीं जा रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, अभी बाल बांध लिए मैंने और जो भी बाल कंघी में आ जाते हैं ना, तो उसको इस तरीके से डब्बे में रख देती हूँ। उसके बाद में ना फिर मतलब जब भर जाती है ना डब्बे, तो फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ, तो बाल जो है ना इधर उधर फैलते नहीं है। और ये देखिए, ये जो व्लॉग है ना, तो जिस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना, तो उसके दूसरे दिन का है। मतलब मैंने संडे को पिज़्ज़ा बनाया था और ये दूसरे दिन का है। बाकी दूसरे व्लॉग पहले आ गए, ये रह गया था। इस वाले वीडियो की एडिटिंग हो गई थी वैसे, बस वॉइस और बाकी था वही नहीं हो रहा था मेरे से। बाकी दूसरे वीडियो का हो गया लेकिन ये पीछे छूट गया था। और मेहनत लगी होती है ना वीडियो की, तो वैसे छोड़ने का मन भी नहीं करता। तो सोचा कि आज वॉइस ओवर कर देती हूँ और आज डाल देती हूँ इतना वीडियो। तो देखिए, अभी जो है ना मैंने मूंग भिगा के रखे थे ना, जिस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो रात को मूंग भिगा दिए थे। मूंग और क्या होती है उसको, मटकी भिगा दी थी। तो मूंग की सब्ज़ी जो है ना अभी बना लूँगी और मटकी को वैसे ही छोड़ दूँगी मैं मोड़ आने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मटकी धो के रख ली मैंने, मूंग धो के रख लिए और यहाँ पर देखिए चाय बना ले रही हूँ अपने लिए। और ये देखिए पिज़्ज़ा जो बनाया था ना मैंने इसी कढ़ाई में, तो कढ़ाई वैसी रखी थी, साफ़ सफाई सारी कर ली थी क्योंकि जब मैं सफाई कर रही थी ना किचन की, तब कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसके बाद क्या होता है ना, काम एक बार छूट जाता है ना हाथ में से तो छूट ही जाता है। तो देखिए, अभी ना नमक है ना फिर से मैंने उसी डब्बे में भर के रख दिया है। पहले मैंने 2-3 बार यूज़ किया है नमक को और अभी फिर से मैं 4-5 बार यूज़ कर सकती हूँ, उसके बाद फेंक दूंगी उसको। और देखिए, चाय वगैरह बन गई थी मेरी, तो चाय पी ली मैंने। उसके बाद यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। अभी जो है ना नाश्ता खाना सभी कुछ बनाना बाकी है। आज पहले ना झाड़ू पोछा ही कर लिया, खुशी उड़ गई थी जल्दी से, तो उसने झाड़ू लगा कर दे दी मुझे, मैंने पोछा लगा लिया। तो बाहर के सारे काम हो गए, पहले खाना वगैरह रह गया था, तो फिर अभी खाना बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मूंग की सब्जी छोकनी है मुझे। तो पहले मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में, उसके बाद उसमें प्याज डाल दिए कट करके। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी, लहसुन अदरक की पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी। देखिए, टमाटर की पेस्ट है घर में बनाई हुई मेरी, लेकिन ये जो टमाटर है ना कल लाए हुए हैं, तो थोड़े से नरम पड़ गए थे, तो फिर मैंने इसकी पेस्ट बना के डाल दी क्योंकि फिर ख़राब हो जाती है अगर मैंने वैसे रखती तो। इसलिए इसकी पेस्ट बना ली और वो यूज़ कर ली। और यहाँ पर देखिए सूखे मसाले डाल दे रही हूँ, और सूखे मसालों में वही अपने मिर्ची पाउडर डाल दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाला पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया। तो वही अपने वही रेगुलर के मसाले होते हैं सारे, बस थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो देखिए, मसाले अच्छे से भून लिए, उसके बाद जो मूंग भिगा के रखे थे वो डाल दिए। इनको फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और उसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए, 10-1 मिनट पकने दूँगी उसको। तो देखिए, सब्जी फ्राई होने के बाद मैंने साइड के गैस पर रख दिया था उसको पकने के लिए। और इधर ना मैं रोटियां सेक रही थी, तो रोटियां सेक गई है। और ना मैंने बीच में पालक की सब्जी भी बना ली थी क्योंकि ये जो है ना मूंग की सब्जी खाते नहीं है बच्चों के पापा, तो उनके लिए पालक की सब्जी बना ली थी। और देखिए, यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह ना खाली कर लेती हूँ। और दूध भी आ गया साथ में, तो अभी दूध भी गर्म हो गया है। और देखिए, अभी काउंटर साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, मुझे मटकी को ना मोड़ लाने हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया है, डब्बे में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और एक छन्नी ले ली है, छन्नी में मटकी रख दी है सारी, और उसको ना इसे दोनों नैपकिन से ढक के रख दिया है मटकी को। और मटकी को ना मैंने धो लिया है अच्छे से। मटकी को ना अच्छे से धो के रखना पड़ता है जब मोड़ लाने होते हैं ना, क्योंकि उसमें ना स्मेल लग जाती है फिर अगर धो के नहीं रखते तो धो के रख लिया है मटकी को। और शाम तक ना इसमें अच्छे से मोड़ आ जाएंगे, तो फिर मैं रात को उसको फ्रिज में रख दूंगी। और साइड में जो मूंग रखे थे ना, तो उसमें भी मोड़ ही लाने हैं मुझे, तो उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ना मैं, तो उसके अपने आप मोड़ निकल आएंगे। और यहाँ पर देखिए, किचन की सफाई हो गई थी और यहाँ पर ये खाना वाना हो गया है, तो टेबल साफ़ कर लेती हूँ। और ना मुझे एक कमेंट आया था, वो जो मैंने वीडियो डाला था ना कि हमें क्या नहाकर ही किचन में जाना चाहिए, तो उस वाले वीडियो पर कमेंट आया था, तो उनका कहना था कि मैं थोड़ा सा ना जल्दी उठ जाया करूँ, तो फिर मतलब मेरा नहाना हो जाएगा और मैं नहाकर ही किचन में जाऊँगी। तो देखिए, मैं जो बात कर रही थी ना, वो खाली अपनी बात नहीं कर रही थी या किसी एक की बात नहीं कर रही थी, मैं वो जनरल प्रॉब्लम है हमारी सारी गृहिणियों की, तो उसके बारे में बात कर रही थी। वैसे मैं अपनी कहूँ तो मेरा नहाना जो है ना जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे उठ जाती हूँ मैं। वैसे अभी छुट्टियाँ है बच्चों की, तो थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ, नहीं तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ और नहाकर ही फिलहाल तो किचन में जाती हूँ मैं, क्योंकि फिलहाल ये चीज़ मुझसे ना पॉसिबल हो पाती है, नहाना हो जाता है मेरा जल्दी। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मेरा नहाना बिल्कुल नहीं होता था जल्दी, जब ऋषभ बिल्कुल ही छोटा था ना, तब उसको एक तो लेने वाला घर में कोई भी नहीं था, और ये जो दोनों बच्चे हैं ना आदर्श और खुशी, इनकी स्कूल बहुत जल्दी थी, 7 बजे एक का टाइम था और एक का 8:30 बजे था, और ऋषभ के पापा को भी 9 बजे जाना पड़ता था। तो फिर मैं अकेली थी घर में करने वाली, और ये बच्चे भी उसको ले नहीं सकते थे, उनको नहीं लेना आता था बच्चों को, ऋषभ को संभाल नहीं सकते थे उसको, तो मुझे ही सब काम करके ना ऋषभ को संभालना होता था, घर में कोई भी नहीं होता था। तो अगर मैं सुबह उठ के नहाने चले जाऊँ ना और पीछे से फिर ऋषभ उठ जाए, तो फिर एक तो सबकी नींद भी ख़राब हो जानी है, और एक बार क्या होता है ना, बच्चे के पास माँ होती है ना, तो बच्चा वहीं के वहीं सो जाता है, लेकिन माँ नहीं होती ना उसके पास में, तो फिर बच्चे की नींद टूट जाती है, और उसके बाद फिर बता नहीं सकते कि बच्चा कब सोएगा। 1 घंटे में सो सकता है, 2 घंटे में भी, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो बताइए, बच्चों के टिफ़िन कौन बनाएगा, हस्बैंड का टिफ़िन कौन बनाएगा, घर के काम कौन करेगा, जो ज़रूरी होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है फिलहाल सुबह के, वो तो भी हम बच्चा सोने के बाद कर लेंगे, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो करने ही है, किसी भी हाल में नहा के बनाओ या बिना नहाए बनाए।
पेट तो भरना ही है कैसे भी करके। और तब भी ना मैं 5 बजे उठा करती थी, 5 बजे सीधा उठ के ना मैं खाना बना लिया करती थी, क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद के काम ना फिर चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन वो काम ऐसा होता है ना कि उसके बिना कुछ चलता नहीं है। और बताइए उठ उठ के भी कितना जल्दी उठेंगे, 5 बजे उठा करती थी मैं। और क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा है होता है ना तो नींद भी पूरी होती नहीं है रात में, क्योंकि बच्चा कई बार उठता है रात में। तो बताइए गृहिणी सुबह जल्दी कैसे उठे ऐसे में, ऐसे ऐसे तो फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर खाने को भी नहीं मिलेगा, नहा के बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए यहाँ पर ये शाम का टाइम है और अभी 4 बज गए शाम के, और यहाँ पर देखिए मैं ये एप्पल का मिल्क शेक बना रही हूँ। तो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने एप्पल कट कर लिए है, एप्पल को अच्छे से बारीक बारीक टुकड़े में कट कर लिया है, और उसमें वेनिला एसेंस डाल दिया, शक्कर डाल दी, और देखिए मिल्क शेक बना लिया है एप्पल का। और ये जो मिल्क शेक है ना ऋषभ के लिए बनाया है, और हम तीनों के लिए मैं चाय बनाऊंगी। अभी बच्चों को मिल्क शेक पीना, बच्चों को चाय पीनी है। चाय का नशा ही ऐसा होता है, एक बार आदत लग गई ना चाय पीने की तो लग गई, दोनों बच्चों को लग गई, मेरे आदर्श खुशी को, तो उनको तो शाम की चाय चाहिए ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चाय बन गई है और हम तीनों चाय ले लेते हैं अभी। और ये देखिए ये जो मटकी सुबह रखी थी ना मैंने मोड लाने के लिए, तो शाम तक देखिए कितने अच्छे से मोड आ गए इसके। अभी गर्मियाँ है ना तो गर्मियों की वजह से जल्दी आ जाते हैं मोड, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और मूंग को तो कुछ किया भी नहीं है मैंने, बस वैसे ही ढक के रख दिए थे, अपने आप उसको मोड आ गए है। तो अभी मटकी को भी और मूंग को भी मैं फ्रिज में रख दूंगी, मटकी की कल सब्जी बन जाएगी और ये मूंग है ना तो ये वैसे ही सलाद में वगैरह खाने के काम आ जाएंगे, और मुझे तो कच्ची चीज़ें खाना पसंद है तो मैं ही खा लूंगी उसको 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी जो है ना मटकी को और मूंग को मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक मैं बाहर रखूंगी ना उनको दोनों को भी, तो फिर दोनों में स्मेल लग जाएगी। और यहाँ पर आलू छील ले रही हूँ उबालने के लिए, आलू हमेशा छील कर ही उबालती हूँ, और ये रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो रात के खाने में मुझे रस्से वाली आलू की सब्जी बनानी है, तो उसी के लिए उबालूंगी आलू। तो यहाँ पर आलू कट कर लिए है, आलू थोड़े से बड़े हैं ना इसलिए कट किए हैं, थोड़े छोटे होते ना तो फिर मैं कट भी नहीं करती, वैसे ही उबालने के लिए रख देती, और कट कर लिए है ना तो फिर जल्दी से उबल जाएंगे, एक ही सीटी में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चाय ना थोड़ी सी उबल गई थी मेरे से तो इसमें गिर गई थी, तो इसको साथ के साथ धोने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पर आ गई मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए, तो ऋषभ को ना ऋषभ के डैडी ने गुल्लक में डालने के लिए पैसे दिए थे। सुबह जब जाते हैं ना वो तो ऋषभ को पैसे देकर जाते हैं गुल्लक में डालने को, और थोड़े से फिर उसको चॉकलेट वगैरह के लिए देके जाते हैं। तो 100 रुपये उसको गुल्लक में डालने के लिए दिए थे और 20 रुपये ऐसे चॉकलेट वगैरह के लिए दिए थे। लेकिन ऋषभ को आजकल गुल्लक में डालने का शौक चढ़ा है, सारे पैसे उठा के ना गुल्लक में डाल देता है, घर में भी कहीं पर भी पैसे मिलते हैं ना उसको तो गुल्लक में डाल देता है। और मुझे भी लगता है कि चलो अच्छी आदत है तो फिर उसको मैं भी डालने देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कपड़े इतने सारे हो गए हैं, देखिए गर्मियाँ है ना तो बच्चे दोनों टाइम नहा रहे हैं, बच्चे क्या हम सभी दोनों टाइम नहा रहे हैं, मैं भी शाम तक नहा लेती हूँ, और ऋषभ के डैडी भी रात में आते हैं ना तो वो भी नहा लेते हैं, क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना, गर्मियाँ उतनी मुश्किल नहीं लगी जितनी ये उमस लग रही है ना, बहुत 7-8 दिन से बहुत उमस हो रही है, तो सभी का दोनों टाइम नहाना चल रहा है ना तो कपड़े भी उतने ही पड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आदर्श के कपड़े मैं अलग छाट रही हूँ, वैसे तो हमेशा ही उसके कपड़े अलग छाट कर रखती हूँ मैं, लेकिन अभी जो है ना उसका टी शर्ट नहीं मिल रहा था तो टी शर्ट ढूंढ रही थी मैं, तो देखिए मिल गया उसका टी शर्ट। और यहाँ पे देखिए बाकी के सारे जो कपड़े ना उसको फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ मैं, और कपड़े फोल्ड होने के बाद जाऊंगी किचन में सब्जी बनाने के लिए, सब्जी बना के रख लूंगी अभी, और उसके बाद मुझे जाना है बाहर ऋषभ के लिए स्कूल देखनी है, और रोटियाँ जो है ना उधर से आने के बाद बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय फ्रेंड्स।